दोस्तों लैला मजनू शेरी और फरहाद के प्यार के किस्सों को आप लोगों ने कई बार देखा होगा सिनेमा घर में, लेकिन भाई मैं आज आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा कि आप शिवा के प्यार के सच्चे कहानी को जरूर देखने जाएं सिनेमा घर में, जो कि तड़प के माध्यम से रिलीज हो चुकी है। तो भाई फाइनली आज मैंने भी देख ली आहान शेट्टी की पहली फिल्म तड़प। तो भैया कैसी है ये फिल्म, चलिए समझने की कोशिश करते हैं छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नए सुपरस्टार यानी कि भैया बॉलीवुड के रियल अन्ना यानी कि भैया बॉलीवुड के रियल बलवान के बेटे आहान शेट्टी की पहली फिल्म भैया तड़प से। तो दोस्तों तड़प को लेकर खबरों का बाजार तो काफी दिनों से गर्म था, यानी कि भैया जब से इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था और इस फिल्म के ट्रेलर में आहान शेट्टी के काम को देखते ही लोग दबे जुबान से क्या कहें भैया, ओपन जुबान से ये बात कहने लगे थे कि भैया आने वाले दिनों में आहान शेट्टी का जो सिक्का है वो पूरे बॉलीवुड पर चलने वाला है। और भाई आहान शेट्टी ने आज जिस तरीके से भैया एंट्री मारी है ना बॉलीवुड के फील्ड में, उसको देखने के बाद तो हर कोई यही कहेगा आहान शेट्टी का मुकाबला करना भैया नए ब्रीड के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होने वाला है। मेरे भाई क्या काम किया है आहान शेट्टी ने भैया तड़प में, उसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। यानी कि भाई तड़प को लेकर ये बात तो ऑलरेडी आप लोग जानती हो कि भैया ये जो फिल्म है वो साउथ की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया RX 100 की ऑफिशियल रिमेक है, जो कि भैया शिवा के सच्चे प्रेम कहानी के ऊपर में आधारित थी। यानी कि भैया RX 100 जब सिनेमा घर में आई थी तो भैया इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारते ही साउथ इंडस्ट्री में भूचाल मचा दिया था। और भाई इस फिल्म का जब रिमेक बना है बॉलीवुड में, इस फिल्म से बॉलीवुड के बलवान यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे जब भैया बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मार रहे थे तो भैया इस फिल्म की चर्चा तो होने वाली थी ही, और आज जब यह फिल्म सिनेमा घर में आ गई है तो भैया इस फिल्म को देखने के बाद हर कोई यही बोलता नजर आ रहा है कि भाई आहान शेट्टी ने वाकई में बॉलीवुड में एंट्री मारने से पहले काफी मेहनत किया है, जो कि भैया नजर आ रहा है भैया सिनेमा घर में। यानी कि इस फिल्म में जिस तरीके का परफॉर्मेंस करते नजर आए हैं भैया आहान शेट्टी, उसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। यानी कि इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि भाई भले ही आप लोगों ने RX 100 को देख लिया हो भैया डब वर्जन के माध्यम से, लेकिन आप इस फिल्म को जरूर देखने जाएं भैया आहान शेट्टी के लिए। यानी कि जिन लोगों ने RX 100 को देखा है उनसे मैं ये अपील कर रहा हूं कि भैया इस फिल्म में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, जो कि आहान शेट्टी के माध्यम से आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। तो दोस्तों वाकई में आहान शेट्टी ने इस फिल्म में जितना बेहतरीन काम किया है उतना ही बेहतरीन काम इस फिल्म में तारा सुतारिया ने भी किया है मेरे भाई। यानी कि भैया इन दोनों ने जो समा बांधा है ना बॉक्स ऑफिस पर, उसकी हम जितनी भी चर्चा करें वो कम है। यानी कि भैया आहान शेट्टी जब एक इनोसेंट बॉय के तौर पर हमें नजर आ रहे थे इस फिल्म में, यानी कि भैया जिसके अंदर ना तो छल था ना कपट था, वो एक सच्चा इंसान था जिसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है कौन, तो भैया तारा सुतारिया। और भाई प्यार के इस एंगल को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब तक ज्यादा नहीं दिखाया गया है। दोस्तों जब भी हम ऐसी कोई लव स्टोरी सिनेमा घर में देखने जाते हैं जिसमें हमें देखते हैं कि भाई किस तरीके से प्रेमी एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो उसमें अक्सर हम यही पाते हैं कि भैया धोखा देने वाला जो प्रेमी होता है वो लड़का होता है। लेकिन भाई इस बार लिंक से हटकर यह कहानी आई है सिनेमा घर में तड़प के माध्यम से, जो कि भैया ऑलरेडी साउथ में बन चुकी थी RX 100 के माध्यम से। तो भैया इस एंगल को देखने के बाद हम तो ये बात कहेंगे कि भाई किसी ने तो ये हिम्मत दिखाई इस एंगल को दिखाने की। हमेशा भैया लड़कों के ऊपर में ब्लेम किया जाता था कि भैया लड़के ही धोखा देते हैं प्यार में, नहीं भाई लड़कियां भी धोखा देती हैं प्यार में, लेकिन उसे कभी भी सिनेमा घरों में नहीं दिखाया जाता था। यानी कि इस फिल्म को लेकर एक बात तो मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ तक यह फिल्म थोड़ी सी आपको स्लो लगे, लेकिन भैया सेकेंड हाफ में यह फिल्म जो स्पीड पकड़ती है ना मेरे भाई वो जबरदस्त था। यानी कि भैया सेकेंड हाफ में जो काम किया है तारा सुतारिया ने और उसके साथ में आहान शेट्टी ने वो जबरदस्त था मेरे भाई। यानी कि भाई यहां पर एक बार फिर से मिलन लुथरिया ने अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से एक बेहतरीन फिल्म सिनेमा घर में देने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से भैया आहान शेट्टी के लिए बॉक्स ऑफिस के दरवाजे पूरी तरीके से खुल चुके हैं।
लेकिन यहां पर मैं अहान सेठी को लेकर बस एक ही नेगेटिव बात कहना चाहूंगा कि भाई अहान सेठी के काम को देखने के बाद, उनके टैलेंट को देखने के बाद, मैं तो उनसे यही बात पूछना चाहूंगा कि आपको क्या जरूरत थी एक रीमेक फिल्म के माध्यम से बॉलीवुड में एंट्री मारने की। यानी कि इस फिल्म का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है वो यही है कि भाई ये फिल्म रिमेक है और भैया इस फिल्म में कहानी लगभग लगभग वही है जो कि RX 100 में था, और इसी वजह से इस फिल्म को थोड़ा सा भैया ड्रॉबैक मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें भैया कि इस फिल्म में अहान सेठी ने जिस तरीके का काम किया है उसको देखने के बाद तो हम यही कहेंगे कि भाई वो किसी भी फ्रेश स्टोरी के साथ में अगर सिनेमा घर में आते तो वो अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से लोगों का दिल जीत सकते थे। यानी भैया वो सर्वगुण संपन्न है, ये बात उन्होंने बता दी है अपने इस फिल्म के माध्यम से। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 में से 3.5 स्टार, और भाई ये 3.5 स्टार जो है वो मैं इस फिल्म के स्टार कास्ट की वजह से इस फिल्म को दे रहा हूं, यानी कि भैया तारा सुतारिया और अहान सेठी की वजह से। यानी भैया इन दोनों ने इस फिल्म में जैसा काम किया है ना वो काबिले तारीफ है मेरे भाई। तो दोस्तों यहां पर मैं तड़प को लेकर बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप तड़प को यह सोचकर मत ठुकरा देना कि भैया ये फिल्म RX 100 की ऑफिशियल रिमेक है। आप इस फिल्म को इसलिए देखने जाएं क्योंकि भैया इस फिल्म में एक नया लड़का लॉन्च हुआ है बॉलीवुड में, और भैया उसने जो पहले फिल्म में जबरदस्त काम किया है ना उसकी तारीफ करने के लिए आप सिनेमाघर में जाएं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।